रोमेश जी, आपने एक मुद्दा उठाया है स्वर्ण समाज के गठन के साथ साथ कि 2022 में जो एमएलए की तनख्वाह का है या पेंशन का है, उसमें आपकी आगामी राय क्या रहेगी? जैसे हमारे बेसिक जो है प्रधान है, एक जो ग्रासरूट लेवल पे काम करता है, उसको तो 2500 से 3000 रुपये मिलता है, और एक एमएलए जब रिटायर भी हो जाता है तो उसको जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी पेंशन आगे तक चलती है। क्या राय लेकर के आप इसको आगे देखते हैं? जी देखिए, जहाँ तक ये बात और जहाँ तक ये मुद्दा है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने ये मुद्दा भी बड़ी जोरदार तरीके से हम लोग उठा रहे हैं कि 2022 में जो ये अभी विधानसभा के चुनाव आएंगे, हिमाचल प्रदेश का जो हमारे लोग हैं वो उसी को वोट और सपोर्ट करें जो ये शपथ पत्र दे कि वो 2022 में विधायक बनने के बाद किसी भी 5 साल के बाद किसी भी तरीके का कोई भत्ता नहीं लेगा, कोई पेंशन नहीं लेगा। ये मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरीके से हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 3800 पंचायतें हैं, उसमें प्रधान हैं, उपप्रधान हैं, BDC हैं, जिला परिषद है, हमारे वार्ड सदस्य हैं, उनके साथ साथ एक जो नंबरदार है वो भी इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां पर विधायकों के भत्ते 2-2.5 लाख रुपए वो सैलरी लेते हैं, और चुनाव जीतने के बाद 5 साल के बाद वो पेंशन के हकदार बन जाते हैं। एक तरफ तो NPS और OPS वाले लड़ रहे हैं अपने पेंशन के लिए, तो 40 साल करते हैं उनको पेंशन, उनकी पेंशन है बंद, और 5 साल जो MLA रहेगा उसको आजीवन उसको पेंशन मिलेगी। मेरा ये मानना है रमेश जी कि जो हमारे लोकतंत्र व्यवस्था के असली हकदार, जो मजबूत जड़ है, वो मजबूत जड़ है हमारे प्रधान, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, BDC, जिला परिषद और हमारे वार्ड सदस्य और साथ में हमारे नंबरदार। इन लोगों को जो इनकी तनख्वाह है, जो मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार रुपये प्रधान को मिलती है, और मेरा ये मानना है कि पंचायत प्रधान अगर कहीं पर चाय पीने बैठे तो पंचायत प्रधान के साथ उतना हजूम होता है कि 2-2.5 हज़ार की जो वो सैलरी है वो तो एक चाय में ख़त्म हो जाती है। किस व्यवस्था और किस सोच के साथ ये जो सरकार में बैठे सलाहकार हैं, किसकी सलाह लेकर इन्होंने वो सैलरियाँ तय करी है? और मेरा ये मानना है मजबूती के साथ कि अगर हाईएस्ट सैलरीज होनी चाहिए, आप एक प्रधान को दें 20,000 दें, 25,000 दें, 30,000 दें, BDC जिला परिषदों को दें, उनको 30-30, 40-40 हज़ार रुपये सैलरी, जो